बता पुलिस में तकरीबन 24,000 के आसपास के भर्ती निकलने वाली है, या भर्ती कब निकलेगी कैसे निकलेगी इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2018 जो आपकी 9900 के आसपास कांस्टेबल की जो भर्ती थी उसे जो है पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। और उस भर्ती प्रक्रिया के बाद फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों का सवाल था कि ये भर्ती अब कब आएगी, फिर से बिहार पुलिस में कितना वैकेंसी आएगी। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो गुड न्यूज आ रही है निकल करके, वो न्यूज कहां से आ रही है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और देखो फ्रेंड्स ये जो न्यूज निकल के आ रही है वो दैनिक जागरण ने छापा है और बताया इसके बारे में 24,000 वैकेंसी के बारे में। मैं उसकी पूरी आर्टिकल को आप सभी के साथ शेयर करूंगा, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट इस वीडियो को जाकर शेयर कर दो। और फिर जितना हो सके दबा करके शेयर करना ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन पता चले जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल यानी कि बिहार पुलिस के लिए और प्लस में बिहार एसआई के लिए तकरीबन 24,000 के आसपास की वैकेंसी निकल रही है। और फिर नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि यहाँ हर एक अपडेट जो बिहार पुलिस रिलेटेड होता है सबसे पहले बताया जाता है और एकदम 100% सही जानकारी दी जाती है। तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, बेल आइकन को इसलिए दबाइएगा कि कोई भी बिहार पुलिस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो मैं वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अभी दैनिक जागरण की जो आर्टिकल निकली है उसके ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स ये जो खबर छाप रहे हैं दैनिक जागरण ने छापा है, बिहार में जल्दी 24,000 दरोगा और सिपाही की होगी बहाली। ठीक है फ्रेंड्स उसमें सबसे बताया कि 24,000 के आसपास बहाली है, कितनी कितनी बहालियां होगी यहाँ पर उनको पूरी जानकारी मिला है इस आर्टिकल में। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पटना राज्य में जल्दी दरोगा और सिपाही के करीब 24,000 पदों पर बहाली होगी, पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर कायदा शुरू कर दिया गया है। सभी जिलों के सिपाही और दरोगा के खाली पड़े पदों को श्रेणीवार रोस्टर तैयार करके मई के अंत तक जो है हर हाल में भेजने को निर्देश दे दिया गया है। फ्रेंड्स इन्होंने साफ साफ जो कह दिया कि मई के अंत तक जो है आपको जो भी ऑर्डर पास होंगे उसको उस पर उनका काम करना शुरू हो जाएगा कि कितने किस जिले में कितने जो है सिपाही और दरोगा की जो सीट है वो खाली होंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने 2018 में बिहार पुलिस का फॉर्म भरा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिख के जरूर बताएगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कितने सब्सक्राइबर कितने व्यूअर हमारे वैसे हैं जो कि बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं और बिहार पुलिस के फॉर्म को भी अप्लाई करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और आप अनअकैडमी पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी लाइव क्लासेस मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। चलिए फ्रेंड्स आगे के आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। यहाँ फ्रेंड्स बताया जाएगा कि सभी जिलों में रोस्टर प्राप्त होने के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि किस जिले में दरोगा और सिपाही के कितने पद किस श्रेणी में खाली पड़े हैं। राज्य में सिपाही के 20,000 और दरोगा करीब 4,000 पद खाली है, सभी जिलों में रोस्टर प्राप्त होने के बाद इसकी पुलिस मुख्यालय में अपने स्तर से समीक्षा करेगा। और फ्रेंड्स इन्होंने बता दिया साफ साफ कि सिपाही के 20,000 और दरोगा करीब 4,000 के पद जो है वो खाली है। उसके बाद फ्रेंड्स बताया जाए इसके बाद जो बहाली की प्रक्रिया है, बहाली प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित सूचना बिहार राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड को भेज दिया जाएगा। विभाग की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड इसका विज्ञापन निकलेगा और जैसे ही फ्रेंड्स आपको हरी झंडी मिल जाएगा आपके विभाग की तरफ से तो इसके लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जा रहा है 35% का आरक्षण यहाँ मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि जो भी महिलाएं जो है बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। तो बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा, सरकार ने पहले ही महिलाओं के लिए आरक्षण की घोषणा कर रखी है। इस पूरी बहाली में तुरंत पूरा करने की तैयारी है, एक बड़े अधिकारी के मुताबिक इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा कि 2004 में दरोगा की बहाली हुआ था, दरोगा की बहाली के लिए बताया जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ बताया जा रहा है कि नए तरीका से होगी सिपाही भर्ती के बाहर लिखित परीक्षा, केवल क्वालिफाइंग और शारीरिक परीक्षा के अंक पर ही होगा चयन। जैसा कि आपको पता है कि 2018 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और फ्रेंड्स आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें भी कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। जिनको नहीं पता है कि इसमें किस तरह से इनकी मेरिट बनती है तो उनके लिए मैं बता दूं कि सिपाही भर्ती का जो तरीका है बिल्कुल बदल गया है, अब लिखित परीक्षा केवल फिजिकल के क्वालिफाइंग होगी, शारीरिक परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनी गई या बहाली होगी। इसके लिए विभिन्न पहलू यानी दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद और अंक तय किया गया, इन्हीं अंकों के बूते जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देखो फ्रेंड्स इसमें जो फिजिकल होती है, फिजिकल में क्या होती है, दौड़ होता है, गोला होता है, ऊंची कूद होती है और उस पर आपको जो है अंक मिलते हैं उसी के आधार पर आपकी जो है बिहार पुलिस में मेरिट बनती है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ नई व्यवस्था बताया जा रही है कि सभी वर्ग के बहालियों के लिए उम्र में 2-2 वर्ष की छूट दी जाएगी, आप वो जनरल से हो चाहे आप ओबीसी एससी से हो सबको यहाँ पर 2-2 साल की जो भी छूट भी दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में गोलमाल नहीं हो इसके लिए लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका को कार्बन कॉपी चयन पार्षद के पास भी रहेगा। आगे बात करते हैं दरोगा भर्ती पुराने पैटर्न पर, पहले फिजिकल फिर लिखित परीक्षा। अब देखो फ्रेंड्स दरोगा बहाली की प्रक्रिया सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, शारीरिक परीक्षा में सफल होने वाले लिखित परीक्षा देने जाएंगे, पिछले बार इसी पैटर्न पर हुआ था बहाली। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स यहाँ पर यही बात कहा जा रहा है। बिहार में जवानों की भारी कमी है, 1,00,000 लोगों पर 70 मात्र पुलिस है। फ्रेंड्स सोचो हमारे राज्य में कितनी कमी है पुलिस की, 1,00,000 लोगों पर 70 मात्र पुलिस है। राष्ट्रीय औसत के मुताबिक बिहार में पब्लिक व पुलिस का अनुपात के काफी कम है, राष्ट्रीय औसत 1,00,000 आबादी पर 143 पुलिसकर्मी होनी चाहिए, लेकिन बिहार में 1,00,000 लोगों की सुरक्षा की महज 70 पुलिसकर्मी ही कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 20,000 सिपाही और 4,000 दरोगा की बहाली के बाद प्रति 1,00,000 की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 150 तक हो जाएगी। आई हो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में सभी जानकारी बिहार पुलिस के लिए मिल गया, अगर मिल गया हो तो इस वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने बिहार पुलिस की तैयारी का इंतजार करना है या बिहार पुलिस की वैकेंसी का इंतजार करना था, तो उनके साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा कोशिश कीजिए शेयर करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब आइकन दिख रहा है वहां चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी।